Good morning, students. Today we are going to learn lesson 21, punctuation. We use full stop at the end of the most sentence and in abbreviations. Mr. Desai works in the SM bag factory. Full stop humne use kiya at the end. ठीक है, जब खत्म होगा तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या तो कोई भी एब्रीवेशन होता है हम शॉर्ट फॉर्म या ऐसा लिखते हैं तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं. वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तब पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे कि डस मिस्टर देसाई वर्क इन द एसएम ड्राई फैक्ट्री. वी यूज कॉमास टू सेपरेट द वर्ड्स इन अ लिस्ट. हमें कोई भी लिस्ट बनाते हैं उसमें अलग अलग कोई वर्ड्स दिखाने हैं तो लिस्ट में, तो हम उसके बीच में कॉमा यूज करते हैं. जैसे कि वी हैड आइसक्रीम कॉमा फिर केक एंड चिप्स, यानी आइसक्रीम और केक दोनों अलग अलग चीज़ है तो बीच में हमने कॉमा लगाया है. वी यूज एपोस्ट्रोफीज टू इंडिकेट द मिसिंग लेटर्स एंड द शो पोजिशंस. ओके, हमने अब इसके आगे के चैप्टर में पढ़ा है, हम एपोस्ट्रोफीज लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए. डोंट डोंट डू नॉट लिखना है तो हम उसका डोंट लिखेंगे तो बीच में एपोस्ट्रोफी आएगा. डोंट टच मीनास बुक्स. मीना नाउन है, मीना की बुक्स थी तो उसके पीछे भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. वी यूज कैपिटल लेटर्स टू बिगिन सेंटेंस. जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं. टू बीइंग प्रॉपर नाउन एंड फॉर द लेटर आई बाय इटसेल्फ. आई क्या, आई हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं और कोई भी प्रॉपर नाउन्स लिखेंगे तो वो कैपिटल होता है, जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था. यू फर्स्ट लेटर है इसलिए यू सेंटेंस स्टार्ट वाई से हुआ तो वाई कैपिटल. यू एंड आई, आई कैपिटल आएगा. विल गो टूगेदर टू डॉक्टर स्मिथ. डॉक्टर स्मिथ प्रॉपर नाउन है इसलिए वो भी कैपिटल आएगा. नाउ डू राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स. इसमें आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, कॉमास जो भी यूज होते हैं वो यूज करके ये सेंटेंस फिर से लिखने हैं. आप उसको घर पे प्रैक्टिस करोगे. मैंने आपको इसके आंसर्स इसके वर्कशीट में भेजे हैं, आप उसके साथ उसकी हेल्प लेके आप अपने आंसर्स कंप्लीट करोगे और नोटबुक में भी लिखोगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.